तो अखंड आराधना से प्रसन्न होकर वैवस्वी हमें अपनी लीला का संकेत देते। ऐसा भी तो हो सकता है देवी कि वे हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। नहीं स्वामी, परम देव श्री महागणेश की भक्ति के रूप में मुझे उनकी हर परीक्षा स्वीकार है, परंतु बहुत कठिन माँ के रूप में मुझे कोई परीक्षा स्वीकार नहीं। यदि मेरे मातृत्व में त्रुटि है, यदि मेरा मातृत्व लांछित है, तो मेरा पुत्र लौट कर ना आए। धैर्य धारण करें देवी अदिति, अपनी अधीरता और व्यग्रता को छोड़कर सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करें, वे अवश्य हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। देवी अदिति। नहीं स्वामी, अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। अब परम देव श्री महागणेश को इस बात का निर्णय करना ही होगा कि मेरी भक्ति सच्ची है अथवा नहीं, मेरा मातृत्व श्रेष्ठ है अथवा नहीं। देवी अदिति। स्वामी, मैं प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को रोक लूंगी। मेरी साधना तक यदि महत्कट लौट कर नहीं आया तो मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी अदिति, मैं आपको भक्ति योग से हट योग की ओर जाने नहीं दूंगा। देवी अदिति, मेरी बात सुनिए। देवी अदिति, हे परम देव श्री महागणेश, हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव, यदि एक क्षण के लिए भी मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें प्रभु, हम पर कृपा करें परम देव, हे क्षमा निधान, हमको क्षमा करें। सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य के सच्चे हित चिंतक है। दैत्य जाति का उत्कर्ष और कल्याण यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने हित चिंतन का परिणाम देख लो शुक्राचार्य, अनेक युगों तक शिव की लंबी तपस्या करने के पश्चात भी देवांतक और नरांतक को इतने साधारण वरदान प्राप्त हुए जिनकी इन दोनों वीर पातालवासी असुरों को आवश्यकता भी नहीं थी। ये वरदान तो मेरी कृपा से भी इन्हें प्राप्त हो सकते थे। दैत्य माता सत्य कह रही है दैत्य गुरु, शिव ने मुझे स्वर्ग विजय करने का वरदान दिया है, परंतु सावधान करते हुए ये भी कहा है कि यदि मुझसे तनिक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाँ दैत्य गुरु, मुझे भी पृथ्वी का राज्य देकर शिव ने सावधान किया है। देवांतक नरांतक, तुम दोनों को इच्छित वरदान मिलने पर भी तुम असंतुष्ट हो। इनके असंतोष का कारण है शिव की कूटनीति। शिव नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहें। अलग अलग रहने के कारण इन दोनों की संयुक्त शक्ति से त्रैलोक्य में ये दैत्य साम्राज्य स्थापित ना कर सके। ये शिव का अन्याय नहीं तो और क्या है। आशुतोष, भगवान शिव ने जो कुछ भी किया है वो उचित ही किया है। यदि इन दोनों ने अन्याय और अत्याचार के बल पर तीनों लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित करने का अनुचित प्रयास किया तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य और असुर यदि बल प्रयोग नहीं करेंगे, अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे, तो उनकी सत्ता को कौन स्वीकार करेगा। जिस भक्ति की शक्ति पर इन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग का साम्राज्य पाया है उस पर विश्वास रखो, शिव कृपा से वही होगा जिससे दैत्य जाति का कल्याण हो। देवांतक नरांतक, दैत्य गुरु एक बार पुनः दैत्य शत्रु का कर्तव्य निभा रहे हैं।
इनके परामर्श से शिव आराधना करके तुम दोनों एक बार अपना सर्वनाश कर चुके हो। अब तुम वही करो जो मैं कहती हूँ। हमें आप पर पूर्ण श्रद्धा है दैत्य माता। आपका परामर्श हमारे लिए आज्ञा है। हाँ। कहे क्या करना होगा हमें? अपनी भयानक विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करके तुम दोनों दैत्य साम्राज्य की स्थापना करो। इस दैत्य शत्रु के समीप एक पल भी रुकना अब तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। जो आज्ञा दैत्य माता। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव ने अपने वरदान से श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु को टाला था, परंतु आपके अभिमान के कारण इनकी मृत्यु कितनी निकट आ गई है। पश्चाताप के अश्रु बहाने के अतिरिक्त अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है शुक्राचार्य। अब तुम इस पर्वत गुफा में रहकर अपने शिव को प्रसन्न करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करते रहो। शिव 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 भक्ति और शिव आराधना का रहस्य और परम आनंद आप क्या समझेगी दैत्य माता? आप पर तो प्रतिशोध और प्रतिरोध का लेप चढ़ा हुआ है। सत्य को पहचानने की शक्ति अब खो चुकी है। इस गुफा में बैठकर शिव को पुकार पुकार कर सत्य को पहचानते रहो शुक्राचार्य। असुर और दैत्य जाति को अब तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। देवांतक और नरांतक की विजय की भूमिका अब मैं बनाऊंगी। दैत्य माता दीति, जिस प्रकार आपने अपने मिथ्या अभिमान का हलाहल विष अपने पौत्र तारकासुर को पिलाया था, उसी प्रकार आप देवांतक और नरांतक के मन में भी विष खोल रही हैं। इसका परिणाम दैत्य जाति को चुकाना होगा। अब इन दोनों की मृत्यु परम देव श्री महागणेश के अवतार के हाथों निश्चित है। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नहीं, यदि भगवान शिव ने देवताओं के ऐश्वर्य को धूल में मिलाने के लिए दुष्ट देवांतक और नरांतक को वरदान दिया है तो हम कायरों की भांति अपना मुंह छुपाकर यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे। हम अपनी शक्ति से दैत्यों को पराजित करके ही रहेंगे। क्षमा करें देवराज, देवांतक और नरांतक की महाविस्फोटक शक्तियों को अब शिव कृपा प्राप्त हो गई है। उनका विरोध करना देवताओं के हित में ना होगा। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास है तो शत्रु की शिव कृपा हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। दैत्यों को हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। परंतु देवराज, वरदानी दैत्य शक्ति के सम्मुख देवताओं की पराजय तो आप तो युद्ध से पूर्व ही पराजय की रूपरेखा बनाने लगे। लज्जा आती है तुम्हें देवता कहते हुए। वरुण देव। आज्ञा देवराज। इसी समय जाकर देव सेना को सचेत करें। दैत्य सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करें। जो आज्ञा देवराज, परंतु अब किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। देव राजेंद्र युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। इस युद्ध में दैत्यों को पराजित करना देवताओं का कर्तव्य निश्चित हो चुका है। अब इस निर्णय में किसी भी विचार की संभावना नहीं है। जैसी आपकी इच्छा देवराज। वरदानी दैत्यों के विरुद्ध यह युद्ध हमें अपनी शक्ति अपनी युक्ति से किसी भी प्रकार से विजय करना है, जिससे भविष्य में स्वर्ग साम्राज्य वरदान में देने की परंपरा ही समाप्त हो। अग्निदेव। आज्ञा देवराज। आप इस देवासुर संग्राम के लिए देवगुरु बृहस्पति से परामर्श और सहायता प्राप्त करें। आप देवगुरु को संदेश दें कि वे अपनी भक्ति की शक्ति से देवताओं को अपराजित बना दें। पवन देव। आज्ञा देवराज। आप गंधर्वों किन्नरों विद्याधरों के साथ साथ ग्रहों लोकपाल और दिक्पालों को ये संदेश दें कि वो अपनी पूरी शक्ति और सेना के साथ देवताओं का साथ दें। जो आज्ञा देवराज। जाएं और इसी समय युद्ध का बिगुल बजाएं और बिगुल के स्वर कैलाश तक अवश्य पहुंचने चाहिए। जाएं। माता अब आप खेलो।
करके यदि तुम माताश्री के साथ चौसा खेलने के इच्छुक हो तो आओ, मैं हट जाता हूँ। नहीं गणपति, मैं खेल में तुम जैसा चतुर नहीं हूँ, मैं माताश्री से पराजित हो जाऊंगा। पुत्र कार्तिकेय, माता से पराजित होने में कैसा भय? यदि मन हो तो आओ खेलो। नहीं माताश्री, आपसे पराजित होने का कोई भय नहीं है, भय तो इस गजानन के परिहास का है। ये ना तो किसी से पराजित होता है, अपनी पराजय को निकट देखकर दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगता है और दूसरों की पराजय के समय व्यंग करने का अवसर कदापि नहीं चूकता। ऐसी बात है तो मैं गजानन को कक्ष के बाहर भेज देती हूँ। नहीं नहीं माताश्री, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका और गणपति का खेल देखने में जो आनंद आ रहा है वो खेलने में नहीं आएगा। तुम धन्य हो कार्तिकेय, तुम्हारी यही प्रतिभा तुम्हें एक दिन संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगी। कौन सी प्रतिभा माता? गणपति, जीवन में वक्ता बनने से अधिक कठिन होता है श्रोता बनना, प्रदर्शक बनने से अधिक कठिन होता है दर्शक बनना, क्योंकि श्रोता और दर्शक के भीतर धैर्य और संयम सबसे अधिक मात्रा में होता है। सफलता धैर्य और संयम को ही मिलती है। माता, आपका ध्यान खेल से अधिक बातों में था, इसीलिए आपको पराजय का मुख देखना पड़ा। ये उचित नहीं गजानन, तुमने मेरी असावधानी का लाभ उठाकर मुझे पराजित किया है, मैं पराजित नहीं हुई हूँ। माता और पुत्र के मध्य चौसर खेली जा रही है। देखिए स्वामी, चतुर गणेश ने अपने छल से मुझे चौसर में फिर से पराजित कर दिया। प्रणाम पिताश्री। चलो बड़े भैया, पिताश्री और माताश्री को चौसर का खेल खेलने दो। पिताश्री के सामने हमें माताश्री के साथ चौसर खेलने का कोई अधिकार नहीं है। माताश्री, यदि आप खेल में हार स्वीकार करना नहीं चाहती तो मैं हार को आपका प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता हूँ। अब आप अपने इस वाचाल पुत्र को क्षमा कर दें। देखा पार्वती, पुत्र हो तो गजानन जैसा, ये अपनी माता को पराजित होते हुए भी नहीं देखना चाहता, जबकि पराजित भी इसने स्वयं ही किया है। नहीं पिताश्री, मेरे बड़े भैया के होते हुए मुझे अपनी प्रशंसा स्वीकार नहीं है। कहिए, पुत्र हो तो कुमार कार्तिकेय जैसा, जो अपनी माता के साथ खेलना ही नहीं चाहता, तो इसमें हारने और जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। देवी पार्वती, हमारे गजानन की बात का कोई उत्तर है तुम्हारे पास? गणपति, तुम वाचाल और चतुर होने के साथ साथ नटखट भी हो गए हो। स्वामी, हमारे लंबे समय के पश्चात हिमाचल से कैलाश लौटते ही आप अचानक कहाँ दृश्य हो गए थे? पिताश्री, क्या आपको हमारा कैलाश आना अच्छा नहीं लगा? पिताश्री, आपने ही तो माताश्री को बुलाने के लिए नंदी महाराज को भेजा था, फिर हम सब के आने पर आप अदृश्य क्यों हो गए? हमारे दो आराधकों की पुकार भी तुम सब ने अवश्य सुनी होगी, उस समय उनकी तपस्या को वरदान देना आवश्यक था। पिताश्री, वे आराधक कौन है और उन्हें आपने क्या वरदान दिया? पाताल लोक से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार पर आए दो दैत्य देवांतक और नरांतक थे। पिताश्री, आपने देवांतक और नरांतक को वरदान दे दिया? तब तो वे निश्चित ही देवों और नरों का अंत करेंगे, उनके अत्याचार से सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा। कुमार गजानन, तुम दोनों चिंता न करो, महादेव दैत्यों के अंत का उपाय उन्हें वरदान देने से पहले ही निश्चित कर देते हैं। पिताश्री, आप जिसका अंत पहले से ही निश्चित कर लेते हैं उसे वरदान ही क्यों देते हैं? कुमार, तपस्वी को वरदान देना ना एक परंपरा है अपितु विधि का निश्चित विधान है। यदि तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल ना मिले तो जप तप की परंपरा समाप्त हो जाएगी। क्षमा करें पिताश्री, बड़े भैया का प्रश्न कुछ और था, जिसका अंत पहले से ही निश्चित हो उसे वरदान क्यों दिया जाए, यही पूछा था ना बड़े भैया? पुत्रों, दुष्ट दैत्यों को तपस्या का प्रतिफल और वरदान देने के पीछे एक परम पावन भावना होती है, अपने आराध्य से वरदान की कृपा पाकर उसकी भक्ति दृढ़ हो जाए,
दुष्कर्मों को छोड़कर वो सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो, परंतु प्रायः ऐसा होता नहीं। इसीलिए दैत्यों को वरदान देने से पूर्व उनके अंत का निर्णय निश्चित कर दिया जाता है। पिताश्री, आपने दुष्ट देवांतक और नरांतक के अंत का क्या उपाय निश्चित किया? उन दोनों का वध कौन करेगा पिताश्री? श्री महागणेश के अवतार के हाथों अत्याचारी देवांतक और नरांतक का अंत होगा, वही उस अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। अब तुम दोनों अपनी बातों को विराम दो और हमें चौसर खेलने दो। अवश्य पिताश्री। चलो भैया, हम लोग भी बाहर चलकर किसी खेल का प्रबंध करते हैं। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। क्या हुआ देवी अदिति? स्वामी, कितने निष्ठुर है परम देव श्री महागणेश, मुझे महत्कट जैसा महान पुत्र प्रदान करके उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। ये आप क्या कह रही हैं देवी अदिति? शांत हो आप। अब मैं शांत नहीं रह सकती स्वामी। महत्कट के बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं इसी समय इस पर्वत शिखर से छलांग लगाकर अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। देवी अदिति, आप तो धैर्य की माता हैं। परम देव श्री महागणेश की दयालुता पर संदेह ना करें। ये अवश्य ही उनकी कोई लीला होगी। नहीं स्वामी, यदि परम देव की ये लीला होती तो अखंड आराधना से प्रसन्न होकर वे अवश्य ही हमें अपनी लीला का संकेत देते। ऐसा भी तो हो सकता है देवी कि वे हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। नहीं स्वामी, परम देव श्री महागणेश की भक्तिन के रूप में मुझे उनकी हर परीक्षा स्वीकार है, परंतु महत्कट की माँ के रूप में मुझे कोई परीक्षा स्वीकार नहीं। यदि मेरे मातृत्व में त्रुटि है, यदि मेरा मातृत्व लांछित है, तो मेरा पुत्र लौट कर ना आए। धैर्य धारण करें देवी अदिति। अपनी अधीरता और विग्रता को छोड़कर सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करें। वे अवश्य हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे देवी अदिति। नहीं स्वामी, अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। अब परम देव श्री महागणेश को इस बात का निर्णय करना ही होगा कि मेरी भक्ति सच्ची है अथवा नहीं, मेरा मातृत्व श्रेष्ठ है अथवा नहीं। देवी अदिति। स्वामी, मैं प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को रोक लूंगी। मेरी साधना तक यदि महत्कट लौट कर नहीं आया तो मैं अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी अदिति, मैं आपको भक्ति योग चहट योग की ओर जाने नहीं दूंगा। देवी अदिति, मेरी बात सुनिए। देवी अदिति, हे परम देव श्री महागणेश, हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव, यदि एक क्षण के लिए भी मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें प्रभु, हम पर कृपा करें परम देव, हे क्षमा निधान, हमको क्षमा करें।